शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किसान विरोधी बताया। बुक्कल के अनुसार कृषि अध्यादेश जैसे काले कानून बनाकर भाजपा विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कितनी हैरत की बात है कि भाजपा के पास इतना बड़ा अमला होने के बाद भी वह किसानों को समझाने में नाकाम रही। देखिए, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मुख्यमंत्री जी तो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट कई बार देते हैं। यहाँ पर तो एससी कमीशन का गठन नहीं है, यहाँ पर महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं या जो इनकी वाइस चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं, स्वयं में तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज तो हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी जो है महिलाएँ वो भी सेफ नहीं है। कितने लोग हैं, एक आईएएस ने इस्तीफा तक दे दिया था कि मैं अनसेफ हूँ। तो हरियाणा प्रदेश में भी वही गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। क्योंकि यहाँ के जो कानून मंत्री हैं उनको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है, उनको तो केवल कभी राहुल गांधी जी नज़र आते हैं, कभी उनको कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। अरे 6 साल से आपके केंद्र में सरकार है, 6 साल की आप राज्य में सरकार है, पुअर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर में पूरे देश भर में सबसे नीचे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का नाम है, उनको क्यों नहीं नजर आता कि ईज ऑफ डूइंग में हम सबसे नीचे चले गए हैं, जॉब्स देने में हम सबसे नीचे चले गए हैं, क्राइम में हम सबसे ऊपर जाते जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम सरकार को किसी प्रकार की दादागिरी करने नहीं देंगे। हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी हमने इन मुद्दों को कॉल अटेंशन और अडजमेंट मोशन के रूप में लगाया है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी के नेतृत्व में, बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आने वाले समय में जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार और केवल कोरी घोषणाओं को लेकर, जैसा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी ने कहा है, आने वाला बड़ौदा का उपचुनाव जो होगा जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी।